सुप्रभात बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज मैं आपके इस नए सत्र की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, इसमें अनुक्रम के अनुसार आपको पहले पाठ से अवगत कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है भारती वंदना। भारती वंदना कविता को पढ़ने से पहले और इसका केंद्रीय भाव को समझने से पहले हम इसके कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक। बच्चों, भारती वंदना के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वैसे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक अच्छे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार भी हैं, क्योंकि इनका बहुत सारा संग्रह है। सबसे पहले छायावाद के चार आधार स्तंभों में से, जिनमें से सबसे पहले नाम आता है जयशंकर प्रसाद, दूसरा नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है महादेवी वर्मा। तो छायावाद के इन चार आधार स्तंभों में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। आइए इनके जीवन परिचय पर हम संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालें। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को हुआ था। वैसे तो इसमें मतभेद है, कहीं कहीं पर आपको 96 के जगह पर 99 भी देखने को मिलता है, लेकिन इनके द्वारा रचित पत्रिका से यह सभी को ज्ञात हुआ है कि इनका जो वास्तविक जन्म तिथि है वो 1896 ही माना गया है। और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुई। इनका जन्मकाल 1896 ईस्वी वसंत पंचमी के दिन रविवार को हुआ था, जिसके कारण इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था और बाद में इन्होंने अपना नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रखा। इनके जन्म स्थान के विषय में ऐसा कहा गया है कि बंगाल के महिषा दल अर्थात जिला मोदनीपुर में इनका जन्म हुआ था। निवास गढ़पोला गांव उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके मृत्यु काल के विषय में पहले ही मैंने बता दिया था, सन 1961, और स्थान इलाहाबाद। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोरमा देवी और बेटी का नाम सरोज। इनके ऊपर जब निराला जी 3 वर्ष के थे तभी इनकी माँ का देहांत हो गया था, और जब ये यौवनावस्था में प्रवेश किए अर्थात लगभग 20 वर्ष के थे तो उस समय इनके पिता भी इनको छोड़ करके चले गए। उसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी निराला जी के ऊपर आ चुकी थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्फ्लुएंजा नामक महामारी में इनके बाकी जो परिवार के लोग थे उनका भी निधन हो गया, यहाँ तक कि उनकी जो बेटी थी सरोज उनका भी असमय मृत्यु मृत्यु हो गई थी सरोज की, जिसके कारण जिस घटना ने इनके जीवन को झकझोर कर रख दिया। इस प्रकार निराला के ऊपर विवेकानंद दर्शन का विशेष प्रभाव देखा जाता। अब हम आते हैं इनकी प्रमुख काव्य संग्रह को भी, ये संक्षिप्त रूप है, इसका बहुत ही विस्तृत रूप है, जिसमें से मैंने कुछ चंद ही यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जिसमें से ये है अनामिका 1923 में, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1939, कुकुरमत्ता 1942, अनिमा 1943 आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। और एक चीज हम यहाँ पे और समझ लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये कई सारे उपनाम भी हैं, जिसमें से मैं यहाँ पर सारा नहीं लिखी हूँ, कुछ ही लिखी हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुख्य माने जाते हैं, जिसमें से पहला है छायावाद का महेश, इन्हीं को कहा जाता है दारागंज,
महाप्राण दिनों के मसीहा, बच्चों इस दिन का मतलब होता है गरीब, और आधुनिक काल का गोरखनाथ आदि बहुत सारे नाम है। तो इस वीडियो में आपने कवि के जीवन के बारे में जाना। अगले वीडियो में मैं भारती वंदना कविता को आपको पढ़ाऊंगी। और इससे पूर्व बच्चों, आप इस कविता का जो शब्दार्थ है उसको अवश्य याद कर लें, क्योंकि अगर आप याद किए हुए रहेंगे तो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। तब तक के लिए मैं इतना ही आपको बता चुकी हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए आप अपने घर में बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहिए और मन लगा करके पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।